सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट महमूद प्राचा का हरियाणा के मेवात में बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एडवोकेट महमूद प्राचा अल्पसंख्यक और शोषित वंचित समाज के लोगों के हक में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। मेवात के कुछ मामलों की उन्होंने अदालत में भी पैरवी की है। महमूद प्राचा जब मेवात पहुंचे तो मुस्लिम समुदाय के साथ कमजोर वर्ग के लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। इस दौरान महमूद प्राचा ने आम नागरिकों से कानून और संविधान के पालन की अपील की, ये कहते हुए कि देश में कानून का राज चलेगा न कि हिंसा का। हिंसा करने वाले चाहे किसी भी धर्म के हों, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चूँकि मेवात हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला इलाका है, जो अक्सर चर्चा में भी रहता है, हिंसा घटनाएं भी यहां देखने को मिलती रही हैं। महमूद प्राचा ने कहा कि मेवात को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां के लोग अमन पसंद हैं, बहादुर हैं, जो देश की एकता और अखंडता के सम्मान के साथ खड़े हैं। महमूद प्राचा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ भी मुखर होकर बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी वे आलोचक रहे हैं। आज के दौर में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुल्क को एक जमहूरियत बनवाया, हमारे देश में आईन कानून संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो अब हिंसा की तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। हालांकि आज हमारे जितनी भी तंजीमें हैं, मुल्क की जितने भी इदारे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके हमारे आईन में, हमारे कानून में, हमारे संविधान में इतनी ताकत है कि हम हर एक को इंसाफ दिला सके बगैर तशद्दुद किए, सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिंसा से बचना है। हिंसा हम लोग करते भी नहीं है, लेकिन जो तशद्दुद करते हैं लोग, वो लोग उन ताकतों के बहकावे में आके करते हैं, या तो या उन ताकतों के एजेंट होते हैं जो भी कहीं भी हिंसा करते हैं। आपने देखा कि इस मेवात के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ एक तरह से, किस लिए? मेवात को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मेवात वो जगह है जहां के लोग वो बहादुर मुल्क के बाशिंदे हैं जो पूरे मुल्क की हिफाजत करने के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। तो मेवात को बदनाम करने की मुल्क दुश्मन जो ताकतें हैं, उन्होंने आज जो दो नौजवान आपके सामने खड़े हैं, ये उसी